तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप बिना कुछ ऐड किए कैसे आप MPL से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वही ट्रिक सेम ट्रिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा न्यू नंबर है, कुछ टास्क दिया था मैंने, कुछ टास्क को पूरा कर लिया है न्यू नंबर से। उसके बाद से न्यू नंबर में ये खासियत है कि कुछ गेम्स भी दे रहे हैं जो लो एंट्री वाला है, 1 रुपये के एंट्री में है। देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने कुछ देर पहले ये फ्रूट डार्ट खेला था स्ट्रीम में, 1-1 रुपये से खेले थे। ये देखिए, दो 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 1.5 रुपये के करीब करीब हम जीत लिए हैं। उसके बाद से देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉक स्मॉस में मैंने 7 रुपये में खेला है, तो 7 का 11 ये भी जीत चुके हैं। तो आप दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि फ्रूट चॉप भी हम कुछ खेले हैं, यहाँ पे हिस्ट्री में देख सकते हैं 2 खेले हैं, 1 फ्री वाला है और 2 पैसे वाला, ये भी मैंने जीत गए हैं। तो दोस्तों, ये जो न्यू नंबर है उसमें आपको टफेस्ट प्लेयर देते हैं या फिर आप अपने नंबर से खेल रहे हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं कि ना कभी नेट का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, जब आप अपने नंबर से ऐड करके खेलते हैं। लेकिन न्यू नंबर में आपको कुछ टास्क पूरा करना है, कुछ टास्क पूरा करके और आपको खेलना है। और फिर ये प्रॉब्लम आ गया कि फिर हम निकाले कैसे, तो निकालने के लिए इजली है, होस्ट को कर देना है, टूर्नामेंट होस्ट कर देना है। चलिए दोस्तों, मैं एक टूर्नामेंट होस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 50 रुपये का है, मुझे 50 रुपये है, टूर्नामेंट होस्ट कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी इच्छा है कि आप आधे घंटे के लिए करते हैं कि 1 घंटे के लिए करते हैं। तो चलिए, मुझे आधे घंटे के अंदर पैसा निकाल लेना है, तो 50 रुपये, और यहाँ पे मैं होस्ट को क्रिएट कर देता हूँ। अब देखिए, ये कोड है, हम इसको कॉपी कर लेंगे और ये स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे। कहीं गलती से कॉपी डिस्टर्बेंस हो गया तो हम स्क्रीनशॉट से अपना कोड लिख लें। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, एक बार और कॉपी कर लेते हैं लिए दोस्तों। अब देखिए, मुझे अपने रियल अकाउंट में जाना है। तो अगर आपके पास सेकेंड डिवाइस है तो सेकेंड डिवाइस से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ही डिवाइस है, सिर्फ एक डिवाइस है, और एक डिवाइस से आपको और दोनों काम करना है। तो आपको, आपने तो कॉपी कर लिया है, आप इसको बैक में जाके MPL में उसके बाद से इसको हटा देना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप फिर से आप अपने न्यू जो आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट वाला नंबर, इसमें आपको आ जाना है और इसमें आपको अपना नंबर डाल देना है। तो मेरा रियल आईडी ओपन हो चुका है। अब मुझे ब्लॉक पजल में जाना है और मुझे यहाँ पे इंटर टूर्नामेंट कोड में जाके जो कोड मैंने वहाँ से होस्ट किया था उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके कंटिन्यू करेंगे। जैसे तो यहाँ पे हम अपना गेम खेल लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हाई स्कोर ही बनाएं और कम स्कोर ही बनाएं, जितना मन करे उतना बना सकते हैं। जिससे देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं खेलेंगे, जिससे टाइम बढ़ेगा, हम ओवर कर लेते हैं सिंपल में। गेम ओवर हो गया, अब चल रहा है वहाँ पे। तो आप जैसा देख सकते हैं कि मेरा वो नंबर, सेकेंड वाले नंबर से मेरा पैसा निकल के फर्स्ट वाले, मतलब मेरा रियल अकाउंट आईडी में आ चुका है। और ये लगभग 20 मिनट के ख़त्म होने के बाद, जैसे ही आपका टाइम ख़त्म होगा, जो मैं 30 मिनट का क्रिएट किया हुआ था, वो जैसे ख़त्म होगा तैसे आपके अकाउंट में पैसा चला आएगा। उसके बाद से आप तुरंत आके वहाँ विड्रॉ कर लीजिए। सिंपल प्रोसेस है, सिंपल ईजी, कोई ज़्यादा, क्योंकि आप अगर न्यू नंबर से खेलते हैं तो आपको बढ़िया अर्निंग मिल सकती है और कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, हारने की भी चिंता नहीं है। लेकिन आप अपने नंबर से खेलते हैं तो कभी नेट का प्रॉब्लम, कभी कुछ का प्रॉब्लम, कभी आप हार गए तो भी आपको चिंता है कि मैंने खुद का पैसा हार गया। लेकिन आप न्यू नंबर से खेलते हैं तो कुछ टास्क से भी पैसे आ सकते हैं और कुछ आप जो न्यू न्यू टास्क दिया उसे भी खेल सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।